गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई समय हो रहा है 11:02, आज है 9 सितंबर, दिन शुक्रवार। बहुत बड़ा दिन है, बहुत खास दिन है भाई। आज है अनंत चतुर्दशी, गणेश भगवान के विसर्जन का दिन। 31 तारीख को गणेश उत्सव चालू हुआ था और हमारे यहाँ भाई गणेश जी विराजे थे और सब जगह गणेश जी विराजे थे, और आज 9 सितंबर है। कितनी जल्दी दिन बीत गए भाई, 10 दिन तो ऐसे ही बीत जाते पता ही नहीं चलता है। भगवान की पूजन अर्चन ध्यान भक्ति और भक्ति भय माहौल में 10 दिन भाई बीत गए और आज गणेश विसर्जन आ गया है। बड़ा कष्टदायक दिन होता है भाई। गणेश जी आज हम सबको छोड़ के अपने गाँव की तरफ जाते, अपने घर जाते हैं। थोड़ा दुख लगता है भाई साहब, तैयार हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए और आज भी ऑफिस है। आज सरकारी छुट्टी रहती है ना मेरे ख्याल से शायद? अनंत चतुर्दशी है ना, सरकारी छुट्टी, पर हमारी छुट्टी कभी नहीं रहती भाई, नहीं रहती भाई, है ना। सरकारी छुट्टी के दिन भी काम, संडे के दिन भी काम भाई। तो मंत्री जी के साथ तो कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, सही बात है। तो भाई साहब बड़े हड़बड़ाए हैं, नाश्ता पानी सब तैयार होकर फुर्सत हो गए हैं ये, तो मैं गेट खोलता हूँ तो ये निकल जाए। जब आएंगे उसके बाद सब उत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। अपना गणेश विसर्जन भाई शाम को करेंगे, शाम को करेंगे आराम से। मुहूर्त भी अच्छा, मुहूर्त भी शाम को है मालूम? हाँ, 5:30 है। हाँ, सबसे अच्छा मुहूर्त वही है, वही ठीक रहेगा, वही सही रहेगा। चलो मैं निकलता हूँ अभी। ओके। एक छोटा सा काम ऑफिस का निपटा कर, नहा धोकर, भगवान की पूजन पाठ करके फुर्सत हो गए हैं और आज मौसम बहुत शानदार है, मस्त। अभी बदल हो गए और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, जो कि आज बहुत विशेष दिन है। मौसम ही बिल्कुल अलग रहता है। और आज अपन को सुबह लग रहा था ना कि आज सरकारी छुट्टी है तो बैंक बंद होगा। हमको एक बहुत ज़रूरी बैंक का काम था तो मैंने भाई साहब से पूछा, फ़ोन करके पूछो बैंक बंद है कि खुला है। तो भाई साहब ऑफिस जाके पूछे, बोले भाई साहब बैंक खुला है, आ जाओ काम हो जाएगा। मैंने बोला ये तो भाई बल्ले बल्ले वाला काम हो गया, बहुत बढ़िया। अपन सोच रहे थे छुट्टी है, पर आज छुट्टी नहीं थी, अपना बैंक वाला काम भी भाई साहब निपटाते हुए आ जाएंगे तो थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। लंच टाइम हो गया है, दोपहर के खाने का टाइम, और गर्मा गर्म थाली मेरी बिल्कुल तैयार है। दाल चावल को मैंने पोहा आइटम बना लिया है और यह है परवल का भरमा। आई लव भरमा, बहुत शानदार मुझे लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हर चीज़ का भरमा। हो गई है बहुत शानदार शाम। भाई साहब भी ड्यूटी से आ चुके हैं, नहा धोकर हो गए हैं तैयार, मैं भी तैयार हो चुका हूँ, मम्मी पापा भी तैयार हो चुके हैं, और हो गया है भाई पूजन का समय। मैंने लगभग तैयारी पूरी कर दी है और अब पूजन पाठ चालू होगा, हवन होगा, दिया बत्ती होगी, आरती होगी, भगवान की आराधना होगी, उसके बाद भाई गणेश प्रतिमा का विसर्जन होगा। और विसर्जन करने के लिए हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम भाई घर में ही व्यवस्था किए हैं गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए। बहुत शानदार सेटअप बनाए हैं, तो भाई पूजन अर्चन चालू करते हैं। हमारी पूजा भाई प्रारंभ हो गई है और ये हमारे गणेश जी का दीपक जल रहा है। जल चुका, जल गया। बोलो गणेश भगवान की जय। पूजन अर्चन हमारा बहुत शानदार हो गया है भाई। गणेश भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहे, आप सब पर बना रहे, यही कामना है। अब समय हो गया है गणेश विसर्जन का, तो भाई मैं गणेश जी की प्रतिमा को बाहर ले चलते हैं और आंगन में हमने विसर्जन के लिए पूरी व्यवस्था बनाई है। कुंड बनाया है बड़ा शानदार, आपको दिखाते हैं। ठीक, बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरिया।
जल्दी आ गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू 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 जल्दी आ गणपति बप्पा मोरिया, और सावरती लोकरिया जय की जय जय। और ये भाई हमारा कुंड की व्यवस्था बनाई गई है, दिखाइए भाई कुंड को। देखिए हम आपको कुंड दिखाते हैं, ये हमने एक शानदार कुंड बनाया है। रुको रुको हम कुंड दिखा दें जल। हाँ, आराम से उतरना है सीढ़ी से। ये देखो भाई, ये पूरा कुंड की व्यवस्था बनाई गई है, शानदार। और ये देखिए हमारे गणेश जी आ गए हैं, मम्मी जी भी साथ में है, भाई भी है और पापा भाई जी भी। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव बहुत शानदार रहा। आज गणेश भगवान की प्रतिमा का भाई विदाई है, थोड़ा दुख जरूर लग रहा है, पर बप्पा को भी अपने घर जाना है। तो भाई अब विसर्जन का समय हो चुका है, मुहूर्त भी हो चुका है, तो हम गणेश भगवान का विसर्जन करने के लिए तैयार है। बोलो गणेश भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश भगवान की प्रतिमा का भाई विसर्जन हो चुका है शानदार हमारे घर के कुंड में। बोलो गणेश भगवान की जय। मम्मी जी बना रही भाई गर्मा गर्म शाम की चाय, ये देखो है ना। आज हमें चाय बनाने से थोड़ी सी मुक्ति मिली है, मम्मी जी बोली हम बना देते हैं गर्मा गर्म चाय। और ये मम्मी जी ने देखो अलसी भूजी है, अलसी कितनी शानदार दिखती है भाई, बहुत चमकदार चीज़ है ये, देखो रोशनी में देखो है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है भाई। शुगर पेशेंट के लिए अलसी बहुत अच्छी है ना मम्मी, बढ़िया सुबह सुबह उठो निहारे मुँह खाओ पानी पियो, मस्त अलसी का स्वाद है। और भाई हमारी गर्मा गर्म चाय का बड़ा गजब खुशबू आ रही है, मम्मी ने बटन बंद कर चुकी है, चाय पूरी तरह से रेडी है, गिलास रेडी है, और हम पीने के लिए भाई पूरी तरह से तैयार हैं गर्मा गर्म चाय। दोनों भाई हो गए हैं तैयार, मौसम बहुत शानदार है, समय हो रहा है ठीक 8:30। अब जा रहे हैं भाई यहाँ से, प्रेस हो गए हैं कपड़े, दुकान से फोन आ चुका है, कल शाम को दिए थे कल लेके आना भूल गए। सही बात है, भूल क्या क्या टाइम ही नहीं मिला भाई, अब याद आया है इनके पास कपड़े बचे नहीं है, कह रहे हम कल क्या पहनेंगे, चलो जल्दी से कपड़े लेके आते हैं। और क्या है ऐसा घूम के भी आ जाते हैं सुबह से घर में है ना, तो एक राउंड थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे और प्रेस जल्दी कपड़े आ जाएंगे। आके ना फोन भी करना, मेरा एक मीटिंग भी है भाई 9 बजे से गूगल मीट पे मीटिंग भी है, तो जरूरी है, तो आधे घंटे में तो काम अपना हो जाएगा, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। पहुंच गए भाई हम डाइक्रीन की दुकान पर, अंदर चलते हैं। 9 बजने में 5 मिनट कम था तब हम घर आ गए थे, और अभी समय हो रहा है ठीक 12 बजे। मैं एक बहुत जरूरी काम में लग गया था भाई, तो उसमें थोड़ा सा समय बीत गया है। अब हुआ है हमारा डिनर का समय, थाली मेरी तैयार है, बनी है भाई चने की दाल, और इसमें बहुत सारी दाल मिक्स है और बहुत गजब मसाले वाली है, परवल की सब्जी है और चावल है, 2 आइटम गरम गरम और चावल हल्का गुनगुना। दाल तो भाई इतनी शानदार मम्मी ने बनाई है मसाले वाली, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, फटाफट चलते हैं पूरा खाना फिनिश कर देते हैं। समय हो रहा है 2:55। अभी हम लोग भाई दोनों भाई मिलकर एक बहुत जरूरी काम कर रहे थे, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, भाई साहब का काम अभी थोड़ा बहुत बचा है आधा पौना घंटे का। तो भाई मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, व्लॉग की करते हैं यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।